हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एकदम हवा स्टाइल सेफ टमाटर की सब्जी। जब आपके घर में कोई भी हरी सब्जी ना हो तो आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। ये सब्जी घी या तेल किसी में भी बना सकते हैं हम। घी के गर्म होने पर 1/2 चम्मच राई डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें मैंने एक हरी मिर्च को बारीक काट के लिया है, ये भी डाल देंगे। और अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे भी डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा भूनेंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। इसमें मैंने 2 से 3 कली लहसुन और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का इन दोनों को क्रश करके लिया है। इसके बाद 1 बड़े प्याज को बारीक काट कर डालेंगे इसमें। दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब हम प्याज को जब तक भूनेंगे तब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते और इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। इधर हमारा प्याज भून रहा है तब तक हम एक मसाला तैयार करेंगे। एक बाउल में मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। साथ ही 1/2 चम्मच जीरे का पाउडर लिया है। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और 3 से 4 चम्मच पानी डालकर हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। मसालों का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और इधर हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं और इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये मसालों वाला पेस्ट डाल देंगे। साथ ही इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे। बाउल में जो मसाला रह गया था चिपका हुआ था, बस उसमें 1/4 कप पानी डाल के मैंने इसमें डाला है। अब इसे हम जब तक भूनेंगे तब तक हमारा घी सेपरेट नहीं हो जाता। मसालों को जितना ज्यादा हम भूनेंगे हमारी सब्जी उतनी ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और घी भी सेपरेट होने लगा है और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने 2 टमाटर को छोटा छोटा काट के लिया है। और अब मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ या स्वाद के अनुसार। मिक्स कर लेंगे। सेब में भी नमक होता है तो इसके लिए आप इसमें नमक अपने हिसाब से देख के डालिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब
टमाटर को लगभग 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसे ढककर पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप टमाटर की प्यूरी। ये मैंने 2 टमाटर को मिक्सर में पीस के लिया है, आप चाहे तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। इसे मिक्स कर देंगे। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद में अब इसे फिर से हम 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने 3-4 मिनट के लिए टमाटर को भून लिया है, देख सकते हैं आप कि हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही लिया है मैंने, इसको फैट के लिया है, ताजा दही है ये, इसमें खट्टे दही का यूज नहीं करना है। और इसे मिक्स कर लेंगे, गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। दही डालने से एकदम क्रीमी टेक्सचर आता है और टेस्ट भी इसका 10 गुना बढ़ जाता है। दही को हमें कंटिन्यू चलाना है। दही हमारा ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें उबाल भी बहुत अच्छे से आने लगा है। दही डालने से हमारी सब्जी खट्टी नहीं होगी क्योंकि इसमें हमने ताजा दही का यूज किया है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। इन दोनों चीजों को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी दोनों चीजें ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गई है। करीब पानी डाला है इसमें। पानी को भी इसमें मिक्स कर देंगे। पानी फ्रेंड्स आप इसमें अच्छी तरह से डालिएगा क्योंकि सेव डालने से हमारी जो सब्जी है वो गाढ़ी होगी। यदि आपको इसमें पानी कम लगे आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। पानी मुझे इसमें कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें 1.5 कप पानी और डाला है। पानी में अच्छे से उबाल आने दीजिए। उबाल आने के बाद हम सब्जी को 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। पानी में उबाल आ गया है, 2-3 मिनट लिया है। इस सब्जी के लिए हमने ये वाली बेसन की मोटी वाली सेव ली है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप किसी भी सेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की सेव का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें ये अपनी बेसन की सेव डाल देते हैं। डालकर हमें सब्जी को ज्यादा पकाना नहीं है, बस 1/2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर देते हैं। डालने के बाद हमने इस सब्जी को 1/2 मिनट और पका लिया था। अब हम
गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है ये सब्जी। और दोस्तों जैसे जैसे ये सब्जी हमारी ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। आप इसे रोटी पराठे नान किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी कर दीजिएगा। थैंक यू।